ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च की तैयारियां अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी हैं। ये बात साफ हुई इस नए वीडियो से जो ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन और ग्रुप सीईओ भाविश अग्रवाल ने ट्विटर पर डाला। इस वीडियो में भाविश अग्रवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं और पहली बार इस स्कूटर को दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि स्कूटर अब भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये स्कूटर लॉन्च हो सकता है और उम्मीद है कि 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये स्कूटर आराम से पकड़ सकता है। जापानीज कार मेकर निसान मोटर भारत को बना सकता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बैटरीज बनाने का नया केंद्र। निसान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अश्विनी गुप्ता ने इस बात की ओर इशारा किया। अश्विनी गुप्ता ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, कार मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भविष्य की संभावनाएं तलाशने के लिए एक खास अध्ययन किया जा रहा है, जिसका निष्कर्ष अगले 6 से 7 महीनों में आ सकता है। निसान दुनिया भर में अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जाना जाता है और पिछले कई सालों से निसान लीव की भारत एंट्री को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। 5 सीरीज फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद BMW इंडिया ने M5 कंपटीशन फेसलिफ्ट CBU के तौर पर भारत में 1.62 करोड़ रुपए की एक शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया है। पहले के मुकाबले 2021 BMW M5 कंपटीशन अब 7 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। लुक्स, सस्पेंशन, इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिहाज से ये कार 5 सीरीज से बिल्कुल अलग है। 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन इसमें लगाया गया है, जो कि 612 bhp की पावर और 750 nm का पीक टॉर्क देता है। 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में ये गाड़ी महज 3.3 सेकंड का समय लेती है। नई Volkswagen GTI फेसलिफ्ट की जानकारियां सामने आने लगी हैं और इसकी ऑफिशियल पिक्चर्स भी जारी कर दी गई हैं। नई GTI के इंटीरियर और एक्सटीरियर में फेसलिफ्ट के तौर पर कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। फीचर्स के तौर पर इसमें 9 इंच का टच स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ, वॉइस कंट्रोल, वॉइस चार्जर और एक्सटीरियर में 18 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इसमें लगा है 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो TSI इंजन, 6 स्पीड मैनुअल और DSG ट्रांसमिशन के साथ। डुकाटी इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप एडवेंचर मोटरसाइकिल मल्टी स्टाडा V4 को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपनी इस मोटरसाइकिल को सोशल मीडिया हैंडल्स पर टीज किया। बाइक में V4 ग्रैंड टूरिज्मो इंजन दिया जाएगा, यानी इस इंजन में डुकाटी के ट्रेडिशनल डेस्मोड्रोमिक वॉल्व सिस्टम के बजाय वॉल्व स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 वेरिएंट्स में आने वाली इस मोटरसाइकिल में 1158 cc का लिक्विड कूल 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि 168 bhp की पावर और 125 nm का टॉर्क देता है। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक मध्य प्रदेश पीतमपुर के नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में खुल चुका है। ऑटोमोटिव टेस्टिंग के लिए इस ट्रैक को 11.3 किलोमीटर तक बनाया गया है। इस टेस्टिंग ट्रैक में हमारी ऑटोमोटिव कंपनियों को यह फायदा होगा कि वो अब विदेशी टेस्टिंग ट्रैक्स का इस्तेमाल ना करके अपने देश में टेस्ट ट्रैक से अपनी गाड़ी के संबंधित सारी जानकारियां पा सकते हैं। अपनी तरह का ये अनूठा ट्रैक है, जिसमें 2 सेमी सर्कुलर कर्व्स हैं, जो स्टीयरिंग को छुए बिना 250 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड में वाहनों को टेस्ट कर सकते हैं, जबकि स्टीयरिंग को पकड़कर वाहनों को 375 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में कई फ्लाइंग कार्स के प्रोटोटाइप देखने को मिले हैं, लेकिन कुछ टेस्टिंग के बाद लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए सफल नहीं हो पाए। ऐसे में एयर कार ऐसी पहली फ्लाइंग कार के रूप में सामने आई है, जिसमें काफी सारी विशेषताएं शामिल हैं। ये एक डुअल मोड कार एयरक्राफ्ट व्हीकल है, जिसका लक्ष्य प्रोडक्शन रेडी व्हीकल में तब्दील होना। इसमें 28 जून को यूरोप के स्लोवाकिया देश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बीच 35 मिनट की ऐतिहासिक उड़ान भरी। इसकी अधिकतम क्रूजिंग स्पीड है 190 किलोमीटर प्रति घंटा। इस एयर कार को क्लेन विजन में बनाया गया और इस प्रोटोटाइप में 1 से 60 bhp वाला BMW इंजन लगा है और इसे कार से विमान में बदलने में करीब 2 मिनट का समय लगता है। इसमें रिट्रैक्टेबल विंग्स, फोल्डिंग टेल सरफेसेस और एक पैराशूट डिप्लॉयमेंट सिस्टम दिया गया। जैगुआर लैंड रोवर ने सबसे पावरफुल डायनामिक और फास्ट रेंज रोवर स्पोर्ट SVR को भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत है 2.19 करोड़ रुपए एक्स शोरूम। इस लिहाज से रेगुलर स्पोर्ट से ये 35 लाख रुपए महंगी है। इस गाड़ी में 5 लीटर के सुपर चार्ज V8 पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 575 PS की पावर और 700 nm का टॉर्क देता है। इस इंजन को जोड़ा गया 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। ये गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में लेते 4.5 सेकंड का समय और इसकी टॉप स्पीड है 283 किलोमीटर प्रति घंटे।
ह्युंडई इंडिया ने भारत में 1 करोड़ कारें तैयार करने का नया रिकॉर्ड बनाया है और इस आंकड़े को पार करने में ह्युंडई को 23 साल लगे। 1 करोड़ के आंकड़े को पाने का श्रेय गया अल्काज़ार के नाम, जिसे ह्युंडई ने हाल ही में बाजार में उतारा है। ह्युंडई ने भारत के कार बाजार में 1998 में सेंट्रो के साथ एंट्री करी थी और इस वक्त कुल मिलाकर 11 गाड़ियां इसके पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। रेनो E5 प्रोटोटाइप से कंपनी ने पर्दा उठा दिया है। ये गाड़ी फ्रांस की कार निर्माता कंपनी की नई प्रीमियम इलेक्ट्रिक हैचबैक के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की परिभाषा दर्शाएगी। इस नई इलेक्ट्रिक कार को कंपनी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2024 में पेश कर सकती है। रेनो E5 प्रोटोटाइप की स्टाइलिंग और डिजाइन संकेत ऐतिहासिक क्लियो से लिए गए, जिसका प्रोडक्शन 1972 से 1996 के बीच हुआ था। इसमें 7 फुली इलेक्ट्रिक वाहन शामिल है, जिसमें फ्रेंच ब्रांड 2025 तक लॉन्च करेगी।